तो रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। कल इसका बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 3000 उद्योगपतियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, दौरा किया है, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 3000 उद्योगपतियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने कमान संभाल ली है। जिम्मेदारी 6 कलर के पास जो 3000 छोटे बड़े उद्योगपतियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसी से जुड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। देश विदेश से निवेशक पहुंचेंगे। वाइब्रेंट विंध बायर सेलर मीट का आयोजन होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आपको बता दें, स्थानीय उद्यमियों के लिए नए अवसरों की तमाम संभावनाएं सरकार देने जा रही है। राहत रियायत के द्वार सरकार ने खोल दिए हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बुनियादी बेहतर आधारभूत अधोसंरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार निवेशकों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। अब खबर यह कि कल कार्यक्रम होगा तो आज अधिकारियों ने दौरा किया है, व्यवस्थाओं की जानकारी ली है कि किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, बिजली पानी सड़क, कार्यक्रम स्थल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, क्योंकि दिग्गजों का जमावड़ा रहेगा, उद्योगपतियों की मौजूदगी रहेगी। वाइब्रेंट बिंध बायर सेलर मीट का यह आयोजन, जिसमें स्थानीय स्तर पर भी जो निवेशक हैं उनको भी अवसर मिलेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खास अहम महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 3000 उद्योगपतियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो 3000 उद्योगपति, इस वक्त की बड़ी खबर। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है, दौरा किया है, कार्यक्रम में व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने जिम्मेदारी संभाल ली है, कमान संभाल ली है, व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक लेवल पर भी, गवर्नेंस लेवल पर भी, स्थानीय स्तर पर भी। तो इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कल आयोजन होने जा रहा है। आज तैयारियों को लेकर मुकम्मल माकूल इंतजाम पूरे प्रशासन ने कर लिए हैं। सहयोगी मनोज राठौर लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। मनोज जी, रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है, प्रमुख सचिव ने कमान संभाल ली, किस स्तर पर तैयारियां हो रही है? 3000 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योगपतियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, वाइब्रेंट बिंध को लेकर क्या कुछ रणनीति, क्या तैयारी? सोनू, बिल्कुल, क्योंकि कल रीवा में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, यानी निवेश आने की तैयारी है, रीजनल इंक्लेव होना है, इंडस्ट्री को लेके बड़े कदम सरकार के द्वारा उठाए गए और हर रीजन में कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक रीवा के इस कॉन्क्लेव के लिए 4000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, यानी 4000 से ज़्यादा उद्योगपतियों ने अपनी अलग अलग इकाइयों को रीवा संभाग में लगाने के लिए जो है रजिस्ट्रेशन किया है, अपनी रुचि दिखाई है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब कल कॉन्क्लेव होगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल शामिल होंगे, इसके अलावा अलग अलग विभागों के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो उस दौरान जो है जितने भी प्रस्ताव आएंगे उनको मंजूरी दी जाएगी कॉन्क्लेव में, क्योंकि यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उद्योग हैं वो रीवा संभाग में, रीवा रीजन में स्थापित हो सके। इसको लेकर जो तैयारियां थी वो पूरी रीवा में कर ली गई है, क्योंकि बड़ा आयोजन है, बड़ी व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने तमाम व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की है। इसके अलावा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी कई जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की अपनी अलग जिम्मेदारी है, तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्योंकि रीवा में उद्योग के लिहाज से काफ़ी कुछ संभावनाएं, यही कारण है कि वहां पे हर सेक्टर के उद्योगों को लगाने की रुचि जो है उद्योगपतियों ने दिखाई है। बिल्कुल, तो उद्योगपतियों के लिए सरकार हर स्तर पर राहत रियायत के द्वार मोहन सरकार ने खोल दिए हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज जी।